बोला गैस सिलेंडर नहीं मिला है क्या? नहीं। क्यों अप्लाई की थी? हाँ कहे थी। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला से बोलू आपके जहिया आएगा तहिया मिलेगा। तो कहिए आएगा, अब तो काफी समय हो गया है, मोदी जी 7 साल रह गए हैं, है ना, गैस सिलेंडर कहिया बटा है, तो आप लोग वंचित कैसे रह गए? नहीं मिला। और ये क्या है ऊपर में सर पे? खूटी है, खूटी मकई के खूटी है। हाँ, ये लेके जाएगी और धुआं करेगी, उसके बाद खाना बनेगा, है ना? हाँ, जलावन बनेगा। ये सब ऐसे कैसे उखाड़ी है, कैसे मतलब बताइए? हाथे से उखाड़ के इसको उसको बांध के ले जा रही है। हाथे से उखाड़ उखाड़ के बोझा बांध कर ले जाते हैं। कितना मेहनत करती है किसान बताइए। और इनको जो है मोदी सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया जा रहा था इन लोगों को नहीं मिला है, यही सब बता रही है। और ये खूंटी देख रहे हैं बोझ माथे पर, इसको घर लेके जाएगी चुन करके। आपको हम बताते हैं कि कैसे ये खूंटी उखाड़ा गया है। और एक्चुअली ये जो है आप मिट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर पानी लगा हुआ था, कुछ दूर पर आप जाएंगे तो वहाँ पर पानी मिलेगा, यहाँ पर सूखा है, लेकिन गेहूँ जो है बावक नहीं हुआ है, पानी लगा हुआ था इसकी वजह से। और यहाँ पर खूंटी बच्चे लोग उखाड़ रहे हैं। कैसे उखाड़ दिया खूंटी? ऐसे ये देखिए, ऐसे खूंटी उखाड़ उखाड़ करके फिर इसको सुखाएगी। हाँ, सूखता ही तब जो है ना, सुखाने के बाद फिर इसको जलावन करेगी, लेकिन बड़ा धुआं निकलेगा इसमें। हाँ, धुआं तो निकलबे करो, नहीं तो क्या करो आदमी, तबीयत खराब हो जाएगा। तबीयत खराब हो जाए तो मोदी जी जरा के बनैलक तक बनैबे कल, जरा के बिगाड़क तक के बिगड़बे कल। और ये सब बच्चे कौन है? तुम लोग भी साथ दे रहे हो? विवेक कुमार नाम है, पढ़ाई करते हो? नीचे बैठ जाओ आराम से, फिर बात करते हैं। कौन क्लास में हो? तीसरा। अच्छा, जाते हो स्कूल कि नहीं? स्कूल तो खुल गया हुआ है, स्कूल खुला हुआ है। गए हुए थे? अच्छा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खोटी उखाड़ रहे हो। क्यों? जलावन के लिए। जलावन के लिए? घर में चूल्हा नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? नहीं है, मोदी नहीं दिया। तो मांग करो, बोलोगे तो मुझे मिलना चाहिए। बोलोगे ना तब ना मिलेगा, मांगोगे तब ना मिलेगा। और ये क्या कर रही है? चप्पल काट रही है। अरे क्या नाम है तुम्हारा? माला कुमारी। अरे बहुत अच्छा नाम है माला कुमारी। ये सामने देखो ना, पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हो ना, दिन भर यही सब करती है ना। तुम भी खूंटी चुनने में हाथ बटा रही थी। अब जलावनो न रहेगा तो हाथ बटा रही थी ना, खिलाएगा? नहीं बोल रही हो, कुछ बोलती नहीं है। कहे नहीं बोलते हो तुम लोग? बताइए, आप ही खूंटी चुन रही है? बाप रे, इतना मेहनत करती हैं आप लोग। खाना बनाने में है ना, आपको भी नहीं मिला है सिलेंडर? नहीं मिला है हमको, नहीं मिला है सिलेंडर, भरबो किए तो नहीं दिए। कहाँ घर है, किधर घर है आपको? का घर है बदी बगल में, ये आप ही का जमीन है ना? लेकिन इसमें पानी की वजह से, पानी लगा होने की वजह से आपने गेहूँ बावक नहीं किया है ना। ये कब मकई कब लगाया गया था? मकई के साल भर हो गया, एक साल हो गया, साल भर हो गया। और फिर जो बाल होता है मकई के वो ले गए थे? नहीं, इसी में गल गया। इसी में गल गया। ये तो ना किसान तो किसान क्या करेगा, किसान की बदहाली, जो फसल लगाता है उसको ले नहीं जा पाता है पानी की वजह से। बिहार की जो है बाढ़ की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, क्या बताएं, देख करके तो काफ़ी ख़राब लग रहा है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सब बच्चों को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर मेहनत कर रही है वो, और इस तरीके से वो चुन चुन करके ले जाएगी और एक एक रोटी इसी इसको चूल्हे में जला करके बनाएगी। क्या कहें, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, और ऐसे ही यहाँ के सभी किसान की तमाम स्थिति है, यही स्थिति है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आगे आप पीछे देख सकते हैं, आगे जाइएगा तो आपको पानी मिलेगा, और अभी यहाँ सूखा हुआ है तो अब क्या बावक होगा इसमें? फिर से अब क्या बावक होगा, सूखा हुआ है तो मूंग बावक होगा। मूंग का बेरिया तो पानी आएगा। हस्बैंड क्या करते हैं आपके?
ये खेती बाड़ी करते हैं, घर पर रहते हैं। खेती बाड़ी तो देख रहे हैं पानी लगा हुआ है साल भर से, सालों भर से बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर में तो लोग काम मिलता है, यहाँ से लोग जाते हैं कमाते हैं। हाँ कमाते हैं, वो नहीं जाते हैं, माल जाल रखा हुआ है, वो सब पता है। अच्छी परवरिश तो बच्चों को नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। बन के चल लगा के कुटी काटे के होई कहां से कर पाएंगे? लेके आइए हम अपना अब नहीं पीते उते हैं, नहीं पीते हैं, वही तो दारू बंद है बिहार में। बिहार में दारू बंद है, इससे फायदा है आपको? आपको लगता है कि आपके पति जो है अगर दारू पीते होंगे चाहे नहीं जो भी है, क्योंकि जो जिसके पति पीते हैं उन जो महिलाएं हैं वो खुश हैं इससे? हाँ ये सबसे खुश है। आप खुश हैं? हाँ लेकिन बहुत बढ़िया कि ये बंद कर दिए था, बहुत बढ़िया किए, मारपीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है घर में, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है फिर तो। नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, है ना? ये एगो तो बढ़िया काम कैले बड़ा। हाँ नल जल योजना में पानी मिल रहा है? नहीं नल जल में कुछ में पानी नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? साल भर से बंद है। साल भर से? साल भर पहले बना हुआ था? हाँ साल भर पहले, दो साल हो गया, दो साल हो गया बंद नल जल, पानी साल भर से नहीं दिया रहा है। अच्छा जी, काहे नहीं पानी आ रहा है, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत में तो अब जब बन में अथी करवाइले बस यही न जानेगी, वार्ड बस यही न जानी से। हाँ काहे पानी बंद कैले बारी, काहे पानी न बंद कैले बारी? साल भर ले अलै जे अलै से दो महीना चार महीना पर अलै या साल भर के बाद से सफा बन। सफा पानी अच्छा होता है, शुद्ध पानी रहता है पीने वाला? पानी तो आते हां, पानी ठीक है रहल है। ठीक रहल है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमर हस्बैंड कोदारी चलाते हैं, खाते हैं, नहीं कोदारी चलाएंगे भूखे मरने। क्योंकि ये खेती से तो कुछ होने वाला है नहीं, खेती से खाल बाल बच्चे सब भूखे मर रहा है। एक साल से जब पानी लगा हुआ है तो इसमें तो खेत किसान क्या करेगा, खेती नहीं कर पाएगा। कमा कोदारी से कहीं कमा कर ली आएगा, अथी 300 कमा कर ली आएगा, 200 के सौर सामान किन कर ली आएगा, वही में बाल बच्चा के पति पाल करता है। मोदी जी कहते हैं कि हमने पूरे चौतरफा विकास किया हुआ है, है ना? तो आपको क्या लगता है कि नहीं मिला है कुछ? हमको मोदी जी कुछ नहीं दिया है, बंगला के बनाया है, बिगाड़ा के बिगाड़ दिया। अच्छा। बाल बच्चा के भूखे मुआने के लिए गरीब के लगा दिए है। हाँ। बंगला के उछील दिए है। अच्छा वो कैसे? वो कैसे, वो मुँह का रहा है, हमने मुँह डूबरा है। हाँ तो मुँह डूबरा के केहू चार चप्पल मार देते है तो बर्दाश्त कर लेते है। अब बल्लाहा के तो काका मारे जाएगा तो ऊपर से भाला फरसा चला देगा। अच्छा जी, ऐसा होता है क्या आपके गांव में? हाँ होता है। कौन करता है? ये है यही जी, सब कोई के नहीं मिला है तो सब कुछ उसके लड़ के झगड़ के ले लेता है, बोलने आज सबसे बितरल बा ओकरा कुछ नहीं मिलना पाएगा। कुछ नहीं मिल पाएगा, बाल बच्चा के कमा कर ली आइएगा तो खाएगा, नहीं तो बाल बच्चा लेकर घर में सूत रहेगा। अच्छा तो सर अभी ये से का कहल जाओ? नहीं लेकिन सिलेंडर मिलना चाहिए था, आप लोग अप्लाई किए उसके बाद भी अगर नहीं मिला है, है ना? हाँ। तो गलत बात है, आपको मिलना चाहिए था। देख रहे हैं कि आप मकई की जो है डांट लकड़ियाँ चुन करके ले जा रही है, फिर इस पे खाना बनाएंगे, कितना मेहनत करती है। हाँ दिन भर लकड़ियाँ चुनने में लग जाएगा तो फिर बाकी का काम कौन करेगा? हाँ बाकी काम चूल्हे भार में जाला, एक पहले जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ करना पड़ता है? हाँ पहले एक जुगाड़ करना पड़ता है, न तो एक बतिया तो कह दिली से बाल बच्चा लेके घर में सूत रहे के पड़ी। अब ऐसे का बतावल जा, किसान की स्थिति बड़ी खराब है ना? किसान के मुआ दिए मोदी, मोदी मुआ दिए, मोदी मुआ दिए। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार के तो अभी उतना हम न कह सकीले, बाकी मोदी जी के चालू है, मोदी जी के कह रहे हैं। मोदी जी के भरोसा है कि काम करेंगे आगे? अब हम ये इतना हम नहीं बताएंगे से करिए कि क्या करेगा। उम्मीद है ना कि आपको सिलेंडर मिलेगा? उम्मीद ही नहीं है आप? हमको तो भाई उम्मीद नहीं है सर सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना न देश में भेजा दिए, सब कोई के फॉर्म रह गया है, हमारे फॉर्म कैसे अकेले चल गया, उन्होंने करी तो जो भराता है वही ना इधर उधर कर दिया। अच्छा अब वहाँ बोलते जाते हैं तो झरहेट के बेलाते हैं ऐसा? हाँ
कब गए थे आप पिछली बार? पिछले बार हम कार्तिक में गए रही, आसिन में गए रही से हमरा यहाँ से वहाँ से यहाँ अप्लाई कर दू फेन हमरा यहीं से मिल जाए। तो नहीं नहीं आपके वहीं से उठाना पड़ेगा तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा ये जी। बताइए आप लोग के साथ गरीब लोग हैं तो कम से कम 1000 रुपया उपाय करेंगे तब न जाएंगे वहाँ। अच्छा सिलेंडर मिल भी जाएगा तो 1000 रुपया हर महीने आपको है ना सिलेंडर का दाम चुका करके फिर आपको गैस मिलेगा, तो फिर कहाँ से लाएगी 1000 रुपया? तो कहाँ कहाँ से लाएं? तो फिर तो यही आसरा है आपका, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा ना। चूल्हे पर मोदी जी कहते हैं कि हमने महिलाओं को है ना सिलेंडर बांट करके जो धुआं धुआं महिलाएं होती थी और पेशेंट हो जाती थी मरीज हो जाती थी उनको ये चीज़ों से राहत मिलेगा, लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूँ कि इतने गरीब हैं आप हैं बिन बिन कर दिन भर। कितना टाइम लगा है इसको इतना देर में इसको बिनने में? 12 बजे से चुन रहे 12 बजे से। अच्छा जी, अभी ये तो सूखेगा उसके बाद ही फिर जलावन होगा ना। सूखेगा तब जलावन होगा। बड़ा बाबू एगो बोझा है ले ले वो। स्थिति काफी गड़बड़ है। अच्छा उसको ही भेज रही है वो लड़का को ना। हाँ। कौन है तू? पोता है? ये पोता है बेटा है। क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई करते हो? स्कूल गए थे? स्कूल से भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो, शर्मा रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस क्या करते हो? लकड़ी चुनते हो? क्यों चूल्हा नहीं है घर में? सिलेंडर ना है? नहीं है? सबकी तो वही हाल देख रहा हूँ मैं, किसी के पास चूल्हा नहीं है यहाँ पर है। सब लोग लकड़ी पे खाना बनाते हैं? जेकरा है से अपन बनाते हैं गैस पर, जेकरा ना है से तो लकड़ी पे। कहाँ गैस पे बनता है खाना या लकड़ी पे? लकड़ी पे हमेशा। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? कुदारी चलाते हैं। कुदारी चलाते हैं? कुदारी चलाते हैं। मजदूर है ना? पढ़ने जाते हो? कौन से क्लास में हो? चौथा में। चौथा में हो? अच्छा आज गए थे? अभी कहाँ जा रहे हो तुम? जलावन लिया। जलावन के लिए जा रहे हो व्यवस्था करने? मतलब जलावन का व्यवस्था ये लोग रोज करते हैं और उसके बाद खाना बनता है या फिर खाते हैं? दिन भर जलावन चुनने में ही लोगों का लग जाता है समय, तो फिर ये आगे का काम कैसे कर पाएंगे? ये जो है वह विडम्बना है हमारी सरकार की, क्या कहें। इन लोगों को अगर अभी तक नहीं मिला है तो सिलेंडर इन लोगों को दिया जाना चाहिए था। और काफ़ी गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, यहाँ पर जगह जगह आप देख सकते हैं कि पानी लगा हुआ है पीछे में, और इन लोगों का खेत जो है वह पानी में सालों भर डूब गया हुआ है। और वहाँ पर जो मकई का खेती 1 साल पहले किए थे उसी का आप ये देख रहे हैं, उसी का डंठल है, और इसी पर चुन कर करके इसको सुखाया जाएगा, फिर उसके बाद लकड़ियों पर खाना बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।